हेलो हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे जा रहा है आपका आज का दिन? मेरा ब्लॉग तो आज इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है और मैं बाहर बैठी हूँ गार्डन में आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि ऐसे बस हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और मेरा मूड नहीं था आज सुबह से कुछ भी काम करने का, ना ही मैं आप लोगों से ज़्यादा बात कर पाई। क्योंकि होता है ना, कभी कभी आप अकेले बैठे होते हो तो आपका कुछ भी करने का मूड नहीं करता है, आपका किसी से बात करने का मूड नहीं करता है, थोड़ा सा अपसेट टाइप, लोनली लोनली सा लगता है। वैसे सेम मेरे साथ था, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रही थी। और कभी कभी होता है ना कि अपने आप में मूड ख़राब हो जाता बिना किसी बात पर, तो सेम मेरा भी वही था। अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अकेले रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, अकेले रहते हुए जब आपके पास फैमिली नहीं होती, आपके पास दोस्त नहीं होते, बाहर ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही है तो काम चल रहा है ना, इसीलिए जब आपके पास कोई नहीं होता है तो वो ज़्यादा आपको हर्ट करती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हो, तो मुझे ऐसा लगा कि घर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, तो इसीलिए मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, काम करो, घूमो फिरो, बाहर बैठो, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा और आप लोगों से बात करके तो मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो ही शूट कर लेती हूँ, आप लोगों से बात करूँगी तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील करूँगी। तो यही हो रहा है, हल्की देखिए बारिश शुरू हो गई है, हालाँकि ऊपर शेड है लेकिन फिर भी हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अभी फ़िलहाल मैं सोच रही थी वॉक पे जाने का, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं है, चाय मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ और देखते हैं अभी क्या काम करती हूँ। कुछ करती हूँ, किचन ऑर्गेनाइज करनी थी लेकिन आज मूड ही नहीं गया कुछ भी करने का, तो अभी थोड़े टाइम में देखती हूँ, कल करती हूँ या अभी लाइट आ जाएगी तो उसके बाद करती हूँ। अंदर लाइट नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए बाहर बैठी हूँ मैं, तो बारिश भी ज़्यादा तेज़ हो गई है, मेरा वॉक आज भी रह गया, देखती हूँ अगर थोड़ी देर में बारिश। सो गाइज, लाइट जो है वो आ चुकी है और बारिश हल्की हल्की धीमी हो गई है, 2 मिनट और वेट करूँगी, क्या पता बारिश जो है वो चली जाए, तो मैं नीचे वॉक करने के लिए जाऊँगी। और अभी फ़िलहाल आप लोग इन्जॉय कीजिए मेरा व्लॉग जो कल मैंने शूट किया था, मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था, कुछ क्लिप्स शूट की थी। हम लोग गए थे कल फिनिक्स मॉल थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग नहीं, हम घूमने फिरने गए थे, तो पुनीत ने एक जीन्स ली थी और कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक जीन ली थी और एक पेंटिंग हम लेकर आए हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ भी ऐसा कुछ खास ख़रीदा नहीं था, कुछ ज़्यादा परचेजिंग नहीं की, तो जस्ट एक पेंटिंग लेकर आए हैं। लेने हम दो गए थे लेकिन एक ही पसंद आई और कुछ था नहीं, और आप में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे थोड़ा सा टूर दूँ किचन आइटम्स का, तो वो किया था मैंने। और थोड़ी बहुत चीज़ें, एक हाँ कमेंट आया था मेरे पास कि अब 50% जो सेल है 50-70% उनके प्रोडक्ट्स जो है वो दिखाए, तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन भी वही ऑफ़र पे हैं और स्टोर में भी वही ऑफ़र पे है, तो सेम प्राइसिंग है। मैं आप फिर भी निकाल कर लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी शॉपीज़ के, डेकोर्स के, और जो चीज़ें मुझे दिखे मिलेंगी तो उनके स्क्रीनशॉट भी मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन सी चीज़ पे ऑफ़र चल रहा है। ऑनलाइन आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, आपको बस देखना होता है, थोड़ा सा एफर्ट करना होता है, चाहे आप स्टोर पर ना भी जाओ, और इनकी सर्विसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने भी ऑनलाइन ट्राई किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या सामान मंगाया है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है आप लोगों से बात करने का, आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने का, मैं ट्राई करती हूँ आज ही वो वाले। आप इन्जॉय कीजिए मेरा ये जो मैं मॉल गई थी वो वाले क्लब्स, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक देना मत भूलिएगा, और 50-70% वाली सेल के भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पे, तो आप चेकआउट कर लीजिए। बारिश नहीं हो रही है, मैं नीचे फटाफट से वॉक पे होकर आती हूँ, देन उसके बाद घर को असेंबल करूँगी, तो चलते हैं नीचे।
थोड़ी सी शॉपिंग की है और आप लोगों के लिए ट्राई किया था मैंने द बॉडी शॉप का टूर करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया, उन लोगों ने मना कर दिया। तो अभी फ़िलहाल मॉल में खड़े हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पुनीत ज़ारा का ट्राई कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। पीछे का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। क्या क्या शॉपिंग की हमने और कहाँ कहाँ हम गए, और यहाँ पर ये देखिए पूरा घर बिखरा हुआ है। मेरा टाइम ही नहीं लगा, कल रात गेस्ट भी आए थे मेरे घर पे, तो सामान ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है, धोकर रात को बर्तन रख दिए थे। और ये वाली पेंटिंग हमने ली है, ये फ्रेश में थी, इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं था। तो रुकिए मैं लाइट ऑन करती हूँ। हाँ ये देखिए, ये वाली पेंटिंग थी, ये 1399 की मुझे पड़ी है। हाँ 1399 पता नहीं कौन रही है, और इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं देख लूँगी अगर मेरे को स्क्रीन पे मिला तो। वैसे ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये ग्लास पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये बिल्कुल भी कैमरा है इसके साथ, कैमरे में जो फोटो आ रही है इससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये मैंने इस वॉल पर लगाई है, एक्चुअली हम पहले इस वॉल पर लगाने का सोच रहे थे या फिर उधर लगाने का सोच रहे थे, लेकिन इस वॉल को मैंने अभी छोड़ रखा है कुछ स्पेशल करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं रुकी हुई हूँ अभी हाउस टूर के लिए, क्योंकि अभी मेरी ये वॉल बाकी है। एक बार ये वॉल हो जाए उसके बाद मैं हाउस टूर आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसा था मेरा, क्या है, कैसे मैंने डेकोर किया है। बहुत ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन हाँ जो थोड़ा बहुत किया है वो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अभी देखती हूँ, बारिश रुक गई है तो मैं नीचे होकर आती हूँ। आज कपड़े भी मैंने धोए थे, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम धोए थे। वॉक करके आई हूँ और 6:45 निकली थी और इस टाइम 6:25 हो रहे हैं, 6:25 हो रहे हैं। आधा घंटा अप्रोक्स मैंने वॉक किया है। मुझे ऊपर जल्दी आना पड़ा क्योंकि कुरियर वाला खड़ा था। ये पार्सल आया है, मुझे भी नहीं पता कहाँ से आया है,
तो अभी खोल कर देखते हैं इसमें क्या है और मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी फिलहाल फटाफट से सब्जी बना लेते हैं और घर भी समेटना है, आज बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, टाइम ही नहीं मिला करने का। तो लगाती हूँ मैं कैमरा, सेट करती हूँ, देन आप लोगों से बात करती हूँ। सब्जी जो है वो कट चुकी है, मेथी बना रही हूँ आज मैं और साथ में देखती हूँ कोई दाल बनाती हूँ। तो डिनर सेट जो है वो मुझे अंदर रखना है, जस्ट पहुँचना है। मैं रात को धोकर सोई थी लेकिन सुबह टाइम नहीं, मतलब टाइम तो मिला ना, लेकिन लोनलीनेस होने के कारण मैं कोई काम नहीं कर पाई। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली फील करती हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होता है, तो मैं श्री राम शरणम की अमृतवाणी सुनती हूँ। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन लोगों को पता है कि मेरे इन लॉज जो है वो राम शरणम जाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है उनकी अमृतवाणी सुनना। मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, मेरी मम्मी भी अमृतवाणी बहुत ज़्यादा सुनती थी, तो वो अमृतवाणी सुनती हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उनका पेज जो है वो श्री राम शरणम के नाम से आपको मिल जाएगा, तो आप राम शरणम अमृतवाणी डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो वो सुनती हूँ और अभी लगाना है मुझे डिनर सेट पहुँच कर अलमारी में, तो वो कर लेते हैं पहले। उसके बाद मेथी धोना एक बहुत बड़ी आफत होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है उसमें, तो बहुत ज़्यादा धोना पड़ता है आपको, तो वो करना है मुझे। और मेथी धोने से पहले मैं दाल चढ़ा लूँगी ताकि जब तक मेथी धुले तब तक दाल की जो सीटी है वो लग जाए। तो पहले दाल चढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर डिनर सेट लगाऊँगी और फिर मेथी धोती हूँ। तो चलिए फटाफट से पहले सब्जी बना लेते हैं। Thank you.
पानी चल रही है पीछे, और दूध जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। अभी बस मुझे करना है डिनर सेट को अरेंज, तो अभी आपको फटाफट से डिनर सेट दिखा देती हूँ। वो मैंने नया लिया है, पुराने वाला आप लोगों ने पहले से देखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने वाला डिनर सेट। इसके बाउल्स हैं, प्लेट्स हैं, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। अच्छा डिनर सेट है, लेकिन इस पर एक डिसएडवांटेज ये है कि इस तरीके के पीले पीले दाग पड़ जाते हैं। अभी मैं हाथों हाथ धो देती हूँ, बिल्कुल भी वेट नहीं करती, तो भी इस पर दाग पड़ जाते हैं। तो बाकी अदरवाइज़ पिछले 2.5 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, एकदम अच्छा है, आप अच्छे से इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैंने कभी इसे माइक्रोवेव नहीं किया है, पर जितना भी है अच्छा निकाल दिया इसने। 2-2.5 साल वर्थ है, मैंने ख़रीदा था कुछ अराउंड 1600 पता नहीं 2000 रुपीज़ का, मैंने 2000 रुपीज़ का मैंने इसे परचेज़ किया था। 6 प्लेट्स, 6 वाटर प्लेट्स, 4 सर्विस स्पून थे, 3 बाउल्स थे, तो और 12 ये वाले बाउल्स थे, और 12 ये सर्विंग बाउल्स थे, 12 ये वाले बाउल्स थे और 3 सर्विंग बाउल्स थे। तो अच्छा सेवा का ये सेट, ये मिस्ट्री ब्लैक कलर का है, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नहीं अमेजोन से मंगवाया था मैंने, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी अगर मुझे मिला तो, अगर अभी अवेलेबल हुआ तो। तो अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं। ये जो सेट है इसमें मुझे 6 ये बड़ी प्लेट्स मिली हैं, 6 छोटी प्लेट यानी क्वार्टर प्लेट्स, 2 सर्विंग बाउल्स हैं, और 6 सूप बाउल्स हैं, 6 छोटे वाले बाउल्स हैं, सूप वो भी है इसके साथ, स्पून और कप्स भी हैं इसके साथ, कप्स भी थे, हाँ 6 कप्स थे, और कप के साथ प्लेट्स भी थी। तो ये था, बाकी अभी फ़िलहाल अच्छा सेट है, अगर आपको परचेज़ करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सर्विंग बाउल इसके साथ स्पून अवेलेबल नहीं है, सर्विस स्पून अवेलेबल नहीं है, सूप स्पून थे, ये वाले बाउल्स छोटे वाले थे, और ये वाले सूप बाउल्स थे बड़े वाले। तो ये 6 और 6 ये 6 कप्स थे, और 6 क्वार्टर प्लेट्स थी, और इसके नीचे वाली प्लेट्स थी। तो टोटल सेट मुझे ध्यान नहीं है कितने का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अभी मैं फ्री हुई थी, खाना वगैरह बनाकर सारा काम निपटा कर 1.5 घंटे में मैं फ्री हुई, तो अब इस बॉक्स को, इस मिस्ट्री बॉक्स को खोलने के लिए Thank you.
जो बॉक्स है ये ओपन किया है और इसमें से निकला है ये फेस वॉश। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि थोड़ा टाइम पहले मेरी बात है ओरिएंटल बोटानिक्स के जो हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि क्या आप मेरे प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे, तो मैंने बोला था कि हाँ क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, तो मुझे लगा कि ट्राई करके आप लोगों को बताना चाहिए कि कैसा है कैसा नहीं है। और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि उन्होंने प्रोडक्ट जो है मेरे से एड्रेस वगैरह लिया, और मुझे पता भी नहीं है कि उन्होंने डिस्पैच करा दिया प्रोडक्ट और वो मुझे मिल गया। और फेस वॉश के लिए उन्होंने ट्राई देते हैं और इसलिए मैंने उन्हें एड्रेस दे दिया था। और इस ये एक बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि इस चीज़ के लिए उन्होंने बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी पे नहीं किया है। इट्स जस्ट की कोलैबोरेशन वीडियो है, उन लोगों ने भेजा कि आप यूज़ करके देखिए, अगर आपको पसंद आता है तभी आप अपने सब्सक्राइबर को इसे परचेज करने के लिए बोलिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो मैं इसे करने वाली हूँ बहुत जल्दी ट्राई, 15 से 20 दिन के लिए ट्राई करूँगी, उसके बाद इसका रिव्यू अपने चैनल पर लेकर आऊँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि ये प्रोडक्ट आने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात मुझे ये लगती है कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी कलर, कोई भी पैराबिन, कोई भी सल्फेट नहीं होता, जो कि मोस्टली हर ब्यूटी प्रोडक्ट में मिलता है। ये टोटली ऑर्गेनिक होते हैं, तो इसलिए मुझे इनके प्रोडक्ट ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसका इनका प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए हाँ कर दिया, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि उन्होंने प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच करा दिया है। तो अभी जब आया है, एकदम से आया, तो मुझे भी एकदम भी क्लिक नहीं हुआ कि हाँ उन्होंने प्रोडक्ट भेजा है। तो अभी ओपन करके ध्यान आया कि हाँ मेरी उनसे बात हुई थी, तो ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया है। अब मैं इसे ट्राई करूँगी, जैसा भी लगेगा रिव्यू अच्छा बुरा जो भी इसकी हैं चीज़ें, वो मैं आपको अपने दूसरे चैनल इंडियन यूट्यूबर लवली यू पे बताऊंगी। अभी सारा काम हो चुका है, दाल को तड़का जो है वो लग रहा है, आटा भी गूंथ चुका है, घर भी एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, और बस मुझे जब पुनीत आएंगे चपाती बनानी है, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। तो अभी मैंने बनाया था आमले का अचार, तो वो उस रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी, इसलिए मैंने इसमें वीडियो में नहीं दिखाया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जस्ट 2 मिनट में बन जाता है वो अचार। तो अभी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, और जब आप लोगों को मालूम है रामशरणम की अमृतवाणी से मुझे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब मैं लोनली होती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप भी एक बार सुनिए और वापस आकर मुझे बताइए कि आप पर इसने कैसे काम किया है। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहूँगी, मिलूँगी आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।